मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार जनता के बीच पहुंच के जनता को पार्टी के प्रति जागरूक करने में डटी हुई हैं। वहीं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में आज प्रत्याशी डिंपल यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वोट मांगे। यहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उसके बाद जनता से अपने लिए वोट मांगे। डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, मैं लगातार मैं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी जसवंत नगर हो, किशनी हो, गोगांव हो, मैनपुरी शहर हो, हम लोग सब विधानसभाएं जीत रहे हैं। अब है अब खाली इतना सा हमारा जो चीज़ रह गई, बस इतनी है कि कितने मार्जिन से हम जीतते हैं और हम क्या अपना पिछले वाला मार्जिन बढ़ा पाते हैं नहीं। अब लड़ाई खाली इस बार मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, NCERB के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में, 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह फेल विफल रही है। डिंपल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह की वर्तमान विधायक या मंत्री भी उन्हें उतारा गया है, क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी हैं वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजयी समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी। निम्बल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिंपल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिंपल जी पहले सहानुभूति की नाव पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूँगी। PDA कह रही है भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव PDA के प्यारों को हनन कर रहे हैं, PDA पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुँचे। और रिक्त पद कितने हैं, आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि PDA के लोग रिक्त पद सभी खाली है, ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौज में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो जब जीतेंगे तब बताएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से BJP पर निशाना साधने का काम किया है। अब की बार उन्होंने भाजपा को धोखेबाज पार्टी बता दिया और बोले जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, भाजपा ने अभी तक जनता के लिए कोई भी काम नहीं किए हैं। देखिए, जो भी चाहे अखिलेश लड़े चाहे तेज प्रताप लड़े, वहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जयवीर सिंह ने कहा कि पहली बार डिंपल यादव सहानुभूति की नाव पर बैठ के जीती थी, इस बार क्या जनता जवाब देगी? देखिए, पहले भी जीती थी और अब की और बड़े वोट से जीते। PDA जो समाजवादी पार्टी लेके आई है, लेकिन उनका मैनपुरी प्रत्याशी कहना PDA पूरी तरीके से कमल के साथ है और कमल खिलाने का काम कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये देखिए, वहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था,
उसका टिकट काटा। वहाँ बदायूं में जो सांसद थे उसका टिकट काटा। तो ये किसी भी पिछड़े वर्ग से लेकर के किसी का भी सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि महिलाओं का पता नहीं कहाँ लगे। अब वहाँ पर बदायूं में भी महिला का टिकट काटा, वहाँ पर भी उस क्या नाम था गुलशन देव साहब का टिकट काटा। तो देख लेना मैनपुरी से डिंपल यादव मंत्री जी, क्या वजह रही है कि मैनपुरी से मंत्री को उतारना पड़ा, भाजपा ने मंत्री को मैदान में उतारा, क्या वजह रही है? देखिए, इनकी पूरी सरकार बेईमान सरकार है, जनता समझ चुकी है, समझ चुकी है, चाहे किसी को ये उतारे या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिंपल यादव पहले से भी ज्यादा ज्यादा वोटों की